शामली शहर में दिन दहाड़े नाटकीय ढंग से हुई एक्सिस बैंक से 40 लाख की लूट के मामले का पुलिस ने रविवार को खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 50,000 के इनामी लुटेरे अमरजीत को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने कर्ज के 38 लाख रुपए चुकाने की खातिर वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। आरोपी के पास से लूटे गए 30,20,000 रुपए, दो तमंचे और कई जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। दरअसल आपको बता दें कि ये वारदात जनपद शामली की सदर कोतवाली क्षेत्र के सबसे व्यस्ततम क्षेत्र धीमानपुरा की है। यहां 1 अक्टूबर को दिन दहाड़े 2 बजे नकाबपोश एक युवक ने तमंचे के बल पर बैंक मैनेजर नमन जैन को लिया और यहां से 40 लाख रुपए लूट लिए। आरोपी बैंक लूटकर बाइक पर आसानी से फरार हो गया था। रविवार को डीआईजी अजय कुमार साहनी ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि लूट प्रकरण में 8 टीमों को लगाया गया था। आरोपी पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया था। आरोपी अमरजीत को शामली से गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने बताया कि उसने ट्रक खरीदा था जिसके कारण उस पर 38 लाख का कर्ज था। कर्ज चुकाने के लिए उसने वारदात को अंजाम दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद वो गांव में अपने नलकूप पर चला गया था जहां पर उसने अपने कपड़े बदले और रुपयों को घर के अंदर ही रख दिया। डीआईजी ने पुलिस टीम को पुरस्कृत करने की बात कही है। डीआईजी अजय साहनी ने बताया कि आरोपी अमरजीत ने पुलिस की पूछताछ में स्वीकार किया कि उसने 25 सितंबर को बैंक की रेकी की थी, साथ ही लूट का भी प्रयास किया था। बिना मास्क लगाए ही वो बैंक में रेकी करने पहुंचा था। भीड़ अधिक होने के कारण वो लूट में सफल नहीं हो सका था। बाद में 1 अक्टूबर को उसने वारदात को अंजाम दिया। डीआईजी ने बताया कि आरोपी ने बताया कि लूट के दौरान उसे 36 लाख रुपए दिए गए थे, हालांकि बैंक मैनेजर नमन जैन ने 40 लाख लूटने की बात कही थी। पुलिस जांच में जुटी है। लूट 40 लाख की हुई थी या फिर 36 लाख की, जांच की जा रही है। 1 तारीख को एक्सिस बैंक से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति बैंक के अंदर गया और उसने बैंक मैनेजर और कैशियर को के केबिन में बैठकर वहां पर एक कागज पर लिख कर दिया कि हम या तो सुसाइड कर लेंगे, आपको गोली मार देंगे, हम पे लोन है, हमें 40 लाख रुपए की जरूरत है, और इस आधार पर 40 लाख रुपए लेकर चला गया। इसमें 5 टीमें बनाई गई थी और 5 टीमें लगातार दिन रात काम कर रही थी। 700 से ज्यादा कैमरे देखे गए, बहुत सारे नंबरों पर सर्विलांस के माध्यम से भी काम किया गया। तो ये तथ्य निकल कर आया, शामली जिले के लेलौन गांव का रहने वाला अमरजीत है। ये अमरजीत बैंक में गया हुआ था, इसने मास्क लगाया था, नाक पे टेप लगाई हुई थी और बैंक से ये पैसे लेकर गया। उसके बाद इसने वो पैसे खेत में छुपा दिए थे, बाद में पैसे वहां से निकाल कर घर लेके गया। और ये 25 तारीख को भी इसने कोशिश की थी, 25 को भी ये बैंक में गया हुआ था, लेकिन उस दिन ये घटना नहीं कर पाया था। दोबारा 1 तारीख को ये बैंक में गया और वहां जाकर इसने ये घटना करी थी। और इसने जो गाड़ी प्रयोग की थी उसमें जो नंबर प्लेट है वो फर्जी नंबर उसमें लगाए रखे थे ताकि पुलिस इसे पकड़ ना सके। नंबर प्लेट इसे कहीं और से मिला था जो उसने गाड़ी में लगा रखे थे। वर्तमान में ये मुलजिम गिरफ्तार किया गया है और घटना के समय प्रयुक्त जो दो वेपन थे वो दोनों वेपन बरामद है। जो कपड़े इसने घटना के दिन पहने हुए थे वो कपड़े बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही 30,20,000 रुपए बरामद हुए हैं। कुछ पैसे इसने बैंक में जमा किए हैं और कुछ पैसे इसने कुछ लोगों को दिया जाना बताया है, जिसकी पूछताछ की जा रही है। 36 लाख रुपए दिखाए गए कि 36 लाख रुपए थे, 36 से 40 थे। अभी जो बैंक द्वारा बताया गया है वो 40 लाख रुपए बताए गए हैं, इसके द्वारा जो बताया गया है 36 लाख रुपए बताए गए हैं, और इसको रिमांड पे लेके बाकी चीजें हम लोग पूछताछ करेंगे। लूटने की योजना बनाई थी, वो किस तहत बनाई थी? नहीं, इसने लूटने की योजना पहले 25 को मैंने बताया जाके रैकी की थी, 25 को ये घटना नहीं कर पाया, इसलिए 1 तारीख को फिर ये गया था और 1 को जाने के बाद इसने इस तरह की घटना की। ऐसा क्या कारण बना सर जो उसने लूट की घटना को अंजाम दिया? पूछा होते इसके द्वारा ये बताया गया है कि मेरे पास कुछ लोन था, कुछ कर्ज थे, उनको मुझे चुकाना था, इसके लिए मैंने घटना की और पैसे लेके फिर मैंने कुछ लोगों को दिया भी, कुछ बैंक में भी पैसे जमा किए। बैंक में जमा किए अपनी शादी को पैसे दिए, क्या अभी भी रिकवर हुए हैं? पैसे जितने रिकवर हुए हैं 30,20,000 वो भी इसके पास से रिकवर हुए हैं। बाकी जिसको जिसको इसने देना बताया है उन सभी लोगों से हम लोग बुलाकर पूछताछ कर रहे हैं। अभी तक की जांच में अकेले इसकी संलिप्तता मिली है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया अभियुक्त आज ही गिरफ्तार किया गया है। इसको पुलिस रिमांड पर लेगी, बृहद पूछताछ करेगी और बाकी भी जो तथ्य है वो सामने आएंगे। जो आइडिया था उसे कहां से मिला? ये अभी हम लोग इसे पूछताछ कर रहे हैं। अभी तो तमंचा इसने शामली से एक दिलसाद नाम के व्यक्ति से खरीदा जाना कराना से बताया है और उसको भी हम लोग प्रकाश में लाए हैं। सर क्या पुलिस को भी नाम दिया गया? बैंक को ही क्यों चुना गया सर? एक्सिस बैंक में पहले से इसका अकाउंट था, वहां वो आता जाता था, अगस्त में भी गया था, 21 अगस्त को भी, इसलिए उसने वहां पर चुना। और इसमें जो पुलिस टीम है, इसमें जो राजपत्रित अधिकारी हैं उनको प्रशस्ति पत्र, साथ ही
बाकी पुलिस टीम को 50,000 रुपए का रिवार्ड दिया जा रहा है। पहला भी कोई अपराधी गिरफ्तार अभी तक प्रकाश में नहीं आया है, बाकी हम लोग पूछताछ करेंगे।